बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? तू लग तो बहुत सुंदर रही है यार, पर एक बात बता, तू इतने छोटे कपड़े पहन के आती है तो तेरी मम्मी तेरे को चिल्लाती नहीं है? चिल्लाती तो डेली है यार, बोलती है आज के बाद मेरे कपड़े पहने ना तो बहुत मारूंगी। जोर का झटका हजारों से लगा। अबे भाई, तुम्हारा भाई अमेरिका जा रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, भाई वहाँ से मेरे लिए दो आईफोन लेके आना। पक्का भाई? भाई मेरे लिए दो जोड़ी जूते, वही ब्रांडेड। हाँ भाई पक्का। भाई जा कब रहा है? बस भाई एक बार नींद आ जाए। मैं तो पानी को बस यूं ही देख रहा था, उसमें से एक मछली बाहर निकली और बोली, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। क्यों, क्या हुआ? बार बार दिखाता है बैटरी लो बैटरी लो, अभी तक 50 बैटरी ले चुकी हूँ। भाई मुझे टीचर ने बहुत मारा। क्यों भाई? भाई मैंने एग्जाम पेपर पे सुसु कर दी। अबे क्या बात कर रहा है, पर ऐसा क्यों किया? भाई टीचर ने बोला था जो पहले आए वो कर दो। भाई दुनिया का पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था? अबे ये तो IIT का क्वेश्चन है यार, तू बता दे। भाई हवा में। ओए सुन, मेरा 10 लाख रुपए कब देगा? भाई अगले हफ्ते 5 लाख रुपए दे दूंगा और उसके अगले हफ्ते 7 लाख रुपए दे दूंगा। कितने हो गए? 12 लाख। तो भाई वो 2 लाख रुपए तो दे। हेलो अंकल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लड़की का आपने एक बॉयफ्रेंड पता करने को बोला ना, ये दो दो लेके बैठी है। भाई किसको बोल रहे? किसको क्या बोल रहे, तुमको ही बोल रहा हूँ ना। और अंकल दोनों की शकल ऐसी है ना, एकदम कॉकरोच जैसी, बता रहा हूँ मैं आपको पहले ही। ये मेरे किसको बोल रहे तुम? क्या है ये? भाई है मेरे। भाई है? अंकल क्या कर रहे हो आप, पहले बोलना चाहिए ना यार भाई के साथ। यार तुम लड़कियाँ इतनी खूबसूरत क्यों होती हो? क्योंकि भगवान ने उनके हाथों से हमें बनाया है इसलिए। अबे बोल तो ऐसी रही है जैसे हमको मजदूरों को ठेका देके बनवाया हो। अरे मेरी बीवी मर गई। अबे तो आज क्यों रहे हो? अरे मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ पर रो ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये सोच कि वो वापिस आ रही है। बहुत स्मार्ट लग रहे हो पर किसी पटा नहीं पाओगे। हाँ तो पटेंगे नहीं ना। अरे हम पटाएंगे नहीं ना। तुम्हारी शकल भी नहीं कोई पटा। अरे हम सख्त लौंडे हैं। सख्त लौंडे? हाँ, नहीं पटाएंगे। पिघल तो रहे उस लड़की को देख देख के। भाई मैं ये सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा भाई? कि भाई मेरी बहन के 3 भाई है तो मेरे 2 भाई क्यों है? अभी देख मकान हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, चल यहाँ से निकलते, कहीं गिर गया तो। अबे पागल हमको क्या लेना देना, अपन तो किराएदार है ना, गिरता तो गिरना दे। भाई मैं ट्रेन में सफर करके थक गया। अच्छा भाई। और भाई ऊपर की सीट मिली थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो भाई ट्रेन में किसी से सीट चेंज कर लेता। अरे भाई किससे चेंज करता, पूरी ट्रेन में कोई था नहीं। पता है बेबी, कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती है। क्या बात कर रही है, मतलब गड़बड़ ऊपर से ही हो रही है। बेबी अगर कोई लड़की तुम्हें दूर से फ्लाइंग किस करे तो तुम्हें कैसा फील होता है? यार मैं नफरत करता हूँ ऐसी लड़कियों से। ओ बेबी तुम कितने अच्छे हो। हाँ दूर से फ्लाइंग किस कर रही है, पास नहीं आ सकती है क्या? यार एक्सक्यूज मी, 2 मीडिया पकड़ना, मेरा शूज के लेस खुल गए। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो देश का ये हाल है। अच्छे सही सलामत हाथ पैर चलते कुछ काम कर लो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या इनका एटीट्यूड तो देखो, पैसे दो और एटीट्यूड भी दो। अरे क्या हो गया मैडम, अरे वो तोड़ दिया लो। अरे यार रामू इधर आ, कह रहा कल मैं बाथरूम में नहा रहा था तो तू सीधे घुस के आ गया। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, मुझे लगा मैम साहब है। यार आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, मैं जा रही हूँ। अबे ऐसे कैसे जाएगी, 20 लोगों से पूछ चुका हूँ, सभी यही बोल रहे मैं जा रहा हूँ मैं जा रही हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रही हूँ। पागल है क्या तू, तो बता के जाएगी। मैं गायब हो जाऊंगा देखना। पक्का? अरे हाँ ये तो गायब हो गया। You're
भाई सुन, मीठा है क्या तू? क्या बोल रहा है? अबे तो सर पे तेरे इतनी मक्खी मिनमिन आ रही है। अबे तू जा रहे? जा रहे नहीं, कैसे चल रहा तू यूं? तू जा वरना तेरे को मीठा बना दूंगा मैं। मेरे को मीठा बनाएगा? हां तेरे को मीठा बना दूंगा। अबे साला वो चाशनी गिर गई तेरी। अबे तू जा रहे? उठा बता बेटा, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में है? मैडम किताबों में। वो कैसे, मैं समझी नहीं। मैडम किताब खोलते ही नींद आने लग जाती। भाई सुनो ना, इसको भूलने की आदत है, इसका 2 मिनट ध्यान रखो। मैं 2 मिनट में आया। हाय, ये मेरी दोस्त है पारुल, इसकी अभी अभी शादी हुई है। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति सोते समय खराटे तो नहीं लेता है? यार अभी तो 3 दिन हुए शादी को, सोएगे तो पता चलेगा ना। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। सुनो जी, आजकल मुझे है ना फोन पे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। क्या बोल रहे वो? ये कंपनी वाले बोलते हैं कि अगर बिल नहीं भरा तो काट। यार जब मैं सूट पहन के सब्जी लेने जाता हूँ ना, तो दुकानदार मुझे सब्जी महंगी देता है, और जब मैं फटे हुए कपड़े पहन के सब्जी लेने जाता हूँ ना, तो दुकानदार मुझे सब्जी सस्ती देता है। तो एक काम करना ना, बिना कपड़ों के जाना, सब्जी फ्री में देगा। आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की दास्ता सुनाना चाहता हूँ। सुना भाई? अबे यही तो सुनाया, ऐसे ही तो बजाया था मैंने।